हेलो बेटा, वेलकम टू M12। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट है, इसमें हाउ टू फाइंड आउट हम एम्पिरिकल फार्मूला और मूल का फार्मूला निकालना सीखेंगे आज। और पूरा प्रोसेस देखेंगे किस तरह इसको फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले बेटा आपने एक टेबल बना लेनी है, ठीक है। कॉलम कितने बनेंगे वो आपको मैं बता चला जाऊँगा साथ साथ, ठीक है। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है, वो होगा आपका नेम ऑफ एलिमेंट। जो आपका नेम है एलिमेंट है वो आप यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले आपको दिया हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ दोबारा से मैं। कंपाउंड कंटेन्स 4.07 हाइड्रोजन, 24.27 कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास आपको दिया हुआ है 98.96 ग्राम। वट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। सबसे पहले आपने लिखा नाम, तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन दिया हुआ बेटा, फिर लिखनी है उसकी परसेंटेज। तो बेटा परसेंटेज आपको कितनी दी हुई है हाइड्रोजन की, 4.07 आपने परसेंटेज लिख दिया है यहाँ पे। देन उसके बाद आपने लिखा उसका एटोमिक मास, जो उसका एटोमिक मास होता है। तो जो 11th क्लास के बच्चे हैं इसमें एटोमिक मास जो हाइड्रोजन का होता है बेटा 1.008 आपको दिया हुआ है। देन क्या करना क्या है बेटा, फिर आपको निकालनी है, वो निकालनी है मोल्स ऑफ एटम निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये 4.07 ग्राम है, कार्बन 24.27 ग्राम है और ये क्लोरीन जो है 71.65 ग्राम है, ये मान के चलिए। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि पूरा का पूरा 100 है आपका मिला के, टोटल 100 है, तो उसको मांगे चलिए। देन अब क्या करना है आपको, मोल्स निकालने हैं। मोल्स निकालने के लिए क्या करना है आपको, ये परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास, मतलब मास मान लिया मैंने इसको, तो ये आपका मास अपॉन मान के ये इस तरह से आपको डिवाइड कर देना 1.008, ठीक है। और ये कुछ रेशो जो आएगा पॉइंट में अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 4 के अराउंड आ जाएगा, 4.04, ठीक है, ये आपका आ गया। उसके बाद आपने क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है आपको तो निकालना है वो बाद में बताऊंगा आपको, क्यों, क्योंकि वो इसके इन तीनों को निकालने के बाद ही वो निकल पाएगा, उससे पहले नहीं निकल पाएगा। देन करना क्या है आपने, अब निकालना इतने पोर्शन आपको कार्बन के लिए सोल्व करना है। कार्बन परसेंटेज दी है आपको 24.27, देन इसी को डिवाइड करना है, ये जो आपका एटॉमिक मास है कार्बन का इतना होता है 12.01 होता है, 12 ले सकते हैं आप, और 24.27 को आप 12.01 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट बेटा ये 2.02 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। देन ऐसे ही आपने जो आपका लास्ट रह गया है क्लोरीन, क्लोरीन को लिख सकते हैं। क्लोरीन का परसेंटेज आपको 71.65 दिया हुआ है और इसका जो एटॉमिक मास होता है बेटा वो होता है 35.5 के अप्रोक्स होता है, और जो आप 30.55 भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। और इसमें आपने 71.65 अपॉन में 35.5 करना है और ये आपका भी 2.01 के अप्रोक्स आ जाएगा। अच्छा, अब करना है हमें फोर्थ पार्ट जो हमें करना था। तो फोर्थ पार्ट में हम करेंगे क्या बेटा, उसमें हमें निकालनी है सिंपल रेशो, ठीक है, सिंपल रेशो निकालनी है। तो करना क्या है, एटॉमिक रेशो मैं निकालता हूँ, एटॉमिक रेशो निकालूँगा मैं। उसके क्या करना है बेटा, रेशो निकालने के लिए आपको बहुत इजी है, इन सब में जो सबसे छोटा है ये 2.02 ही मान लीजिए, इसी के अराउंड मान लीजिए आप दोनों को। तो जो 4.04 है बेटा, जो भी इन चारों में तीनों में छोटा होगा, तो ये दो सेम है, तो उसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे सभी को करेंगे बेटा, 2.02 2.01 वो 2.1 फिक्स कर दी, कोई बात नहीं, बात बराबर सी आएगी 2.0। तो ये बेटा 1 ही आएगा, ये भी 1 आएगा और ये आपका अप्रोच ये 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सिंपल रेशो आपकी आ गई, जो रेशो सिंपल आ गई बेटा ये आ गई आपकी 2:1:1। इसका मतलब आपका, अगर मैं बताऊँगा आपको तो कितने हाइड्रोजन आपके इस कंपाउंड में, 2 फिलहाल के लिए। अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल रहे हैं, ये जो चीज़ निकाल रहे हैं बेटा, हम निकाल रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो आपको समझ में आ गया होगा
कि इसमें 2 है, कार्बन इसमें 1 है और क्लोरीन 1। इस तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा, जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है आपका, और कार्बन आपका 1 है और क्लोरीन भी आपका क्लोरीन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं 2। इसलिए आपका एम्पिरिकल फार्मूला जो बनेगा बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला वो बन जाएगा CH2Cl। ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला बन चुका है, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपने निकालना आ गया, ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब निकालेंगे हम मोलिकुलर फार्मूला। तो बेटा आगे प्रोसीड करने के लिए हमें पता लग गया था कि हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है बेटा वो CH2Cl है। और एम्पिरिकल फार्मूला फिर हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, CH2Cl को रखेंगे। कार्बन का 12 होता है बेटा, प्लस कार्बन 12 है और मल्टीप्लाई 1 करेंगे क्योंकि 1 कार्बन है हमारे पास, प्लस 2 इंटू में हम हाइड्रोजन को ले लेंगे बेटा 1.008 जो हम लेके आए हैं जो मास है इसका, और प्लस आपका क्लोरीन आपका जो है 1 है और 1 इंटू में 35.5। ठीक है, ये प्लस कर देंगे, ये आपका जो आएगा बेटा, ये जो आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 49.516 ग्राम। ये आपका आ जाएगा इंटू फॉर्मूला मास। अब बेटा इसमें करना क्या है, देखो आपको जो दिया हुआ मोलर मास आपको गिवन है 98.96, तो आपको निकालना है एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है वो आपको बताऊंगा मैं। एन फैक्टर निकलता है आपका मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, जब इसको करेंगे ये आपको दिया हुआ 98.96 अपॉन में 49 है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट यहाँ पर है बेटा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपका ये आ गया था। अब ये अप्रोक्सीमेट 2 के अराउंड आपका आ जाएगा जब इसे करेंगे आप, टू के अराउंड आ जाएगा, मतलब ये आपका 1.99 होगा, इसको हम 2 एज्यूम कर सकते हैं बेटा। उसके बाद क्या करना है हमें, देन अभी जो ये हमारा एन आया बेटा, तो हमें करना क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करना है एन से निकालने के लिए, मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए। ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए हमने क्या किया, एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारा था CH2Cl उसको मल्टीप्लाई कर दिया एन से, जो हमारा कितना था 2 था, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये C2H4 और आपका Cl। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको पूरे को, क्योंकि ये जो एन फैक्टर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फॉर्मूले से और आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये आपका हो गया मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, ये 2 से 2 C2 हो गया बेटा, 2 जा 4 हो गया क्लोरीन, सॉरी C2। ठीक है, ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।